हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड अधीन सेवा सेना की भर्ती के संबंध में एक न्यू अपडेट के बारे में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि उत्तराखंड सरकार ने 22,000 पदों की भर्ती जो है लगभग दिसंबर तक जो है कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, और इसमें जो है तेज़ी से अध्याचन आपके जो UKPSC हैं, UPSC हैं, इन आयोगों के पास यहाँ पर जो है लगातार आ रहे हैं। तो आपको बता दो कि जो वैकेंसी अभी यहाँ पर आई हुई हैं, जो आपकी लगभग जो है UKPSC कितने पदों पर जो है भर्ती करा रहा है, कौन कौन से पोस्ट हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग पोस्ट हैं, इन पर जो है भर्ती यहाँ पर करने जा रहा है UKPSC। तो देखिए दोस्तों, UKPSC जो है 1,000 पदों पर जो है भर्ती शुरू करेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 1,000 पद हैं वो आपको देखने को मिल सकता है, और इसमें जो है UKPSC की ओर से क्या कहा गया, अलग अलग विभागों के जो है करीब 1,000 पदों पर जो है भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर शुरू करने जा रहा है। और आयोग के सचिव संतोष बड़ोनी ने यहाँ पर बताया है कि सहायक कृषि अधिकारी है, और यहाँ पर उद्यान पर्यवेक्षक का है, और ITI कर्मशाला अनुदेशक का है, गन्ना पर्यवेक्षक के हैं। तो इन पदों पर जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है। और कुछ कुछ पोस्ट में जो है आपको यहाँ पर अलग से टाइटल रखा जाएगा, लेकिन मोस्टली जो है आपको 12th पास बेस पर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है ना। और जो सहायक कृषि अधिकारी है, हो सकता है आपका स्नातक साइंस से रखा जाए, ठीक है। बाकी आपका साइंस से रिलेटेड होगा गन्ना पर्यवेक्षक का भी, लेकिन 12th पास आपको यहाँ क्वालिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये इन पद पर आपको जल्दी यहाँ पर भर्ती शुरू करेगा। और इसके साथ साथ आपको बता दो कि यहाँ पर जो सरकार है उसने यहाँ पर जो है आवेदन शुल्क जो है यहाँ पर फ्री कर दिया गया है। तो इस वजह से जो है जैसे ही आपका एक GO जारी होता है आवेदन शुल्क फ्री करने वाला, तो उसके बाद से ये भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएंगे। लगभग जो है आपका 1 हफ्ता समथिंग यहाँ पर टाइम लग सकता है। और उसके अलावा जो है यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल में भर्ती के अध्याचन भी जो है जल्द आने की यहाँ पर जो है उम्मीद जताई जा रही है। और आयोग का कहना ये है कि अब जो है पुलिस कांस्टेबल के जो अध्याचन है वो जल्द आने वाले हैं। इसका जो है अध्ययन करने के बाद जो है यहाँ पर पुलिस की भर्ती भी आपकी आ जाएगी। तो पुलिस की भर्ती भी जो है कई सालों के बाद आपकी आ जाएगी। लगभग जो है आयोग ने बता रखा है 2 से 3 मंथ जो है पुलिस की भर्ती में लग जाएगा, तो आयोग ने यहाँ पर कहा है। लेकिन इतना टाइम नहीं लगेगा, लगभग जो है 1 से 1.5 मंथ में आपका यहाँ पर वैकेंसी आ सकती है। तो अक्टूबर मंथ में जो है हो सकता है यहाँ पर जो है निकाल दें, क्योंकि अध्याचन देने में जो है लगभग जो है यहाँ पर कम से कम जो है 15-20 दिन को लग ही जाएंगे। उसके बाद जो है आयोग उनकी जांच करेगा अच्छे से, उसके बाद जो है वैकेंसी आपकी आ जाएंगी। ये ऑलरेडी आई हुई हैं, बस इनका जो विज्ञापन है वो निकालना बाकी रह चुका है। लगभग इनकी जो अध्याचन थे वो अगस्त में ही आ चुके थे। तो अब आपके जो अध्याचन यहाँ पर जो है अध्याचन आए हुए हैं इन पदों पर, डायरेक्ट वैकेंसी आपकी शुरू हो सकती है इन पर।